वैसे छात्रों छात्राएं जो 2023 में इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप आर्ट साइंस एंड कॉमर्स किसी भी संकाय के छात्र हैं, तो आपका 11th में जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसका रूटिंग यहां से जारी कर दिया गया। ऐसे में जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनको रूटिंग पता होना चाहिए किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम कितने बजे से होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी कॉलेजों में जितने भी बिहार में कॉलेज है सभी कॉलेजों में अलग अलग दिन रूटिंग जारी किया गया है और अलग अलग डेट भी जारी किया गया है। सो आप यहां पर इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप यहां पर इसलिए कि SBSS कॉलेज बेगूसराय जिसका पहला दिन एग्जाम 23/5/2022 प्रथम सेटिंग में मैथ सॉरी दोस्तों फिजिक्स का एग्जाम है, सो भी आप यहाँ पर देखते हैं। उसका सेकेंड सेटिंग में केमिस्ट्री का एग्जाम है। वही दूसरे कॉलेज को ले चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं ये दूसरे कॉलेज का इसमें नाम नहीं देगा, बट यहाँ पर देखते हैं कि 11/5 से ही इनका एग्जाम चल रहा है, नहीं 17/5 का इनका बायोलॉजी का एग्जाम प्रथम वाले में है। सो आप यहाँ पर देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जिस भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी संकाय के छात्र हैं तो आपको अपना कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या कॉलेज के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पर आप जाइए, आपका कॉलेज में किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है उस तरह से टाइम टेबल बनाया गया है, जो आप यहाँ पर देखते हैं इसमें भी बनाया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर आप आसानी तरीके से पता कर सकते हैं आपका 2 पालियों में परीक्षा होता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसने कि आपका डेट यहाँ पर दिया रहेगा, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होता है ISC के लिए फिजिक्स देख सकते हैं कि और डेट क्या है, उसके बाद केमिस्ट्री आप यहाँ पर देखते हैं। ISC इंटर साइंस के लिए आपको मैं बता दूँ ISC मतलब इंटर साइंस होता है, उसके बाद IA मतलब आर्ट होता है, उसके बाद ICOM मतलब इंटर कॉमर्स होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा और एग्ज़ाम देने वक्त आपको साथ में आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आप ले जाएंगे। सो आप यहाँ पर देखते हैं कि छात्र अपने पास कॉलेज द्वारा निर्गत परिचय पत्र हमेशा साथ रखें, मतलब आपको लेकर चलना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं इस कॉलेज में यहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि परीक्षार्थी अपने साथ महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ अवश्य लाए, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह से यह अपडेट आ रही है। आपका जो भी रूटिंग होगा आप जाइए, जो भी अपने दोस्त हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको अभी तक रूटिंग नहीं मिला है, और जो भी आपका रूटिंग है उसके अकॉर्डिंग जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको फाइनल परीक्षा यहाँ पर नहीं देने दी जाएगी। मैं एक बार फिर से बता दूँ सभी कॉलेजों का अलग अलग रूटिंग जारी किया गया, कॉलेज के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद टाइम टेबल की बात करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि यहां पर 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है प्रथम पाली का और 1 बजे ख़त्म हो रहा है, और सेकेंड पाली का यहां पर 1:30 से लेकर 4:30 चलता है। बट यहां से मैं दूसरे कॉलेज को आपको दिखाता हूं तो आप यहां पर देखते हैं यहां पर ये सुबह में एग्ज़ाम 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्रथम पाली का। तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, आपका कॉलेज में कब से कब लिया जा रहा है आप जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए या कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिए, वहाँ पर पता कीजिए, वहाँ पर दीवार पर पोस्टर लगा होगा उसे फ़ोटो खींचकर देख लीजिए कब से कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स बन रहे तो नीचे कमेंट कीजिएगा जिसका रिप्लाई आपको कभी भी मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।